हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माया ब्यूटी एंड ब्लॉग्स। सो आज ये जो वीडियो है ये मेरा वेडिंग का वीडियो है। तो अब यहाँ पे ये जो देख रहे हो ना, ये मेरा हल्दी का वीडियो था जो मैंने कुछ दिन पहले अपने चैनल पे डाला था। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा होगा तो इससे पहले वाला वीडियो मेरा हल्दी का ही है, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। अभी यहाँ पे मैं आपको अपना वेडिंग का वीडियो शेयर कर रही हूँ जिसमें मैंने आपको नेपाली कल्चर का शादी दिखाया है। तो होप आपको ये पसंद आएगा, तो वीडियो को आगे देखते रहिएगा। देखो जा रहा दोनों इधर ही। हेलो, इधर देख। मेरे छोरी ने सिंगार कर दे छे। हेलो, ठीक है ठीक है, हम आ गए फिर। हाँ जी 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 जी, चलो चलते हो। 104 है रूम नंबर, फर्स्ट फ्लोर पे। हल्का वीडियो कर देते, चलिए आप लोग तो ऊपर जाओगे ना, ऊपर बैठेंगे, ऊपर बैठ जाओ ऊपर। आज पूरा वो सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, रिकॉर्ड मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ अपनी बोनस पड़े। हाँ जिनकी अभी नई शादी हुई उनको तो ज्यादा ही देना पड़ेगा। दक्षिणा देना पड़ेगा ना, कितना देना पड़ेगा? 2000 क्या मतलब? इतना महंगा नहीं है ये, इसका भी तो मन है ना, इसका भी तो मन है ना। हमको कितना महंगा चीज ले जा रहे हैं पता है क्या? हमारे की वो जेम्स ले जा रहे हैं वहाँ से। तुम्हारा जेम भी जाना चाहता है? नहीं, जेम नहीं जाना चाहता। ऐसा कुछ नहीं है, देखो चेहरे में कितना खुश है। एक और 5 मिला दो, 5 हमने देखना। अच्छा दीदी, आंटी प्लेट है क्या? नहीं है, चलो दीदी ले लो। हाँ ठीक है, रो
इधर 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 चलो उठा के बिना उठाएगा देखो दुईटे
जय बात बस डंडा वो पिछाड़ी बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा आगे गिरेगा नहीं बेटा पानी पीना पड़ेगा भाई लोग नहीं हम चाय वाय पी ले अभी सारा पानी बिन तक पिए लाल बत्ती में घूमेंगे हम लोग पंचर के टोपी लगाओ ना टोपी कलेक्शन शिवानी के शादी में बारिश होता है वृंदा के शादी में लाइट चला जाता है भैया के साथ में भैया चले जाएंगे खाना खाने चले जाएंगे बोल भैया बोले रुको मैं खाना खा के आता हूँ पहले Thank you.
वेरी सच एकदम पापा को हैप्पी सारा यही खत्म कर देगा ये सीन कट कर देना सिल्वर बटन तो गाइस मैं चिकन बना रही हूँ शादी हो चुकी है सरप्राइज में चिकन कौन सा मेरे को पता नहीं है पर बना लूंगी गाइस मुझे समझ में नहीं आ रहा गरम मसाला क्या होता है इस मसाले को कितना गरम इस मसाले को कितना गरम करना है नेपाल का टिकट बस का
स्वस्ति नो बृहद भद्र ददातु हो बस बस भयो उहाँलाई मात्रै गर्ने म दिन्छु दिनु भन्छु अनि तपाईँले उहाँको औँली पक्रेर उहाँलाई दिने है हात लगाएर राख्ने ओम तिथि विष्णु तथा वार नक्षत्र विष्णुमेव जा हाँ हाल्दै राख्ने हाल्दै राख्ने ओम दादा हाँ अरू पनि पानी चाहिँ लाने ओम दादा विष्णु दावेरम विश्वदम महाद्विजात्रयम् त्रयवृताभृतम् विवादिदीक्षिताम् प्रजापति देवताम् छोड़ दिन त्यो जल बस बसवाहाय नम स्वाहा हीरा थोड़ा ज्यादा डाल दो इसे मुट्ठी भर के करना है बहुत सारा साफ करें है बहुत सारे हैं थोड़ा ज्यादा डाल दो वैसे ही वो ले लो थोड़ा ऐसे मुट्ठी भर के ले लो थोड़ा वो सारा है डालते रहो ऐसे करें थोड़ा थोड़ा डालते ओ नीलम ना प्रभवते राजा न पवंदिगा आयुष्मान मस्ते पते रे जाए तो मम स्वाहा रख दो आ जाओ आराम से आ जाओ आ जाओ आ जाओ कुछ नहीं आ जाओ 5000 गाइस गिनते रहे ना फेरे कितनी हो रही है पंडित जी कम भी करा सकते ज्यादा भी करा सकते हैं बोलना वैसे ही चलो हाँ सावे वहे वह वहे सहदेवो ददा वहे प्रजां प्रजनना वहे पुत्रान विद्या वहे बहुन्ना स्वाहा देखो देखो क्या करना है ऐसे करके घुमाते रहना है मैं मंत्र बोलूंगा ठीक है जब ओम बोलूंगा तो फट से चटाना है कौन किसको चटाता है ऐसे हाँ ऐसे ऐसे घुमाते रहना मुंह में चटाना है हाँ ठीक है नीचे रखो नीचे 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 रखो नीचे हाँ ऐसे हाँ घुमाते रहे सुनो समझ में आया कि नहीं मैं मंत्र बोलूंगा जब मंत्र बोलने के बाद जब ओम बोलूंगा तो ओम शब्द में चटाना है अब कौन किसको चटाएगा पता नहीं है ठीक है मैं बोलता रहूँ मंत्र बोलूंगा जब तक ओम नहीं बोलूंगा तब तक नहीं चटाना है ओम होते ही जब ओम होगा तब आपने चटाना है कौन किसको चटाएगा पता नहीं है ओके हाँ चालू करो ऐसे तुम्हारी ही अम्मा ओम सहजरा चेरेगा बोलूगा जादा राक्या राजा बादा जबरी को जबरुगा तादि को तजांगुरा अम्मा बोलूगा ए वे सलाने करने का हाँ तामने तो चेतानो जादन मेना आपने अपनी जिद की सवाल है तो जाया चपुरगा पादो जबाबो त्रिपाद श्यामृतन्दे त्रिपादोर्बहुद्रमासित बाहुराजन्यः ऊरुदल्चल्वेत्यः पद्व्याकुशुद्रो अजाय स्वेच्छतेर्मीर्चप्रज्ञाबहोरात्रेण सर्वलोकं विगाणा ओम् उल्टा चटा हो जाओ
देखिए मैंने पहले सतर्क किया था ना, नहीं ऐसे ही करते, ऐसे ही करते हो गया। अपने अपने शादी पता है होगा सबको, मेरी शादी में मेरे को पता है कैसे हुआ, लेकिन चटाया था मैंने। ये नहीं है। अब पता है ना हमको मंत्र मालूम है कहाँ पे उसको करना, इसलिए हाँ तो चलिए। अब हो गया सप्तपदी, सात वचन, आराम से बैठ जाइए। अभी भी कन्या अधूरी है, अभी ना सिंदूर डाला है ना पोते बोलते ना, तो अभी भी मैं इसलिए नेपाली में नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को समझाने का तरीका थोड़ा सा मुख से नहीं हो पाता ना, समझा नहीं पाते, इसलिए आता है ना पूरा समझ में। सप्तपदी सात वचन है, सात वचन अगर किसी ने भी जिंदगी में याद किया उस घर में कभी भी झगड़े नहीं होते। तो सात वचन ऐसे हैं कि लड़का बोलता है सात वचन, तो लड़की जब मानेगी लड़के का सात वचन तब वो बामांगल लेके आएगा। ओके, तो लड़की की बराबर ना, लड़के का जो रिक्वायरमेंट है वो कम होता है, लड़की का ज्यादा होता है। अब क्यों होता है, पैदा हुई किसी दूसरे घर में, जा रही किसी दूसरे घर में, ओके, तो रिक्वायरमेंट तो तभी होगा ना। तो अब अपने पास तो कुछ है नहीं साधन, अब सामने वाले को शर्त जब तक नहीं रखेंगे तब तक कैसे पूरी होगी, इसलिए ज़्यादा रहती लड़की की। तो इसलिए लड़का इधर से भी पीसता है और इधर से भी पीसता है। तो पहले लड़का कि मैं प्रथम पद के लिए आपको आग्रह करता हूँ, क्या किस चीज़ के लिए, कि हे सके आपके मेरे घर में आने से, आपके मेरे घर में आने से मैं विष्णु रूप यानी कि आप लक्ष्मी रूप जब मेरे घर में आएंगी आप, तो मेरे घर में आपका कदम पड़ते ही अन्न की वृद्धि हो। इस चीज की अन्न की वृद्धि हो, जब तक खाएंगे नहीं तो क्या जिएंगे कैसे, तो इसलिए आप वो लक्ष्मी रूप बने के आइए जो आपके कदम पड़ते ही मेरे घर में अन्न आदि की वृद्धि हो। आप पूछिए उनको, आप ऐसे रूप में आएंगे तो मैं एक कदम आगे बढ़ता हूँ, पूछिए उनको। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए आप, बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने जो ये अंगूठा से, राइट अंगूठा से पैर के एक ऐसे करना है, ऐसे डेरी के ऊपर ऐसे करके धकेल देना है, तो भगवान विष्णु भला करें करो, हाँ भगवान विष्णु भला करें। ओके ऐसे भौजी आदमी भाई, मैं उनके तरफ हाँ इधर बैठी, और इनके सर पे ऐसे करके रख लेंगे। हरे हे ओम, अभी चढ़ा डालते जाइए वहाँ पहुँचना चाहिए। ओम शुभ मंगल हरे यम मधुरे यम समेत वस्य रहके गोरे नारायणि नमोस्तुते। उसको लगा दो, इसको इसको फोल्ड करके यहाँ रखो, हाँ इधर आपके सामने थोड़ा सा पूजा करो, रोली हल्दी से पूजा करो।
ओम सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वाधिदातिके धरण्ये त्र्यम्बके मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज आराम से आराम से आराम से बेचारा थक भी गए होंगे हो गया ओके आएने ना हम लोग अभी यहाँ होगी अर्धांगिनी हो गई अब होगी पूरी तरफ से शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्कृते यहाँ पे छोड़ दीजिए ओम नारा सुगंधि पुष्पाणि दाकार भवानि च अवयं कुरुषन्नः कुरुवराजाभ्य वयन्नः उपासुभ्यः सुशान्तिर्भवतु आप उनको खिला दो आप इसको खिलाओ चलो ताली क्लैपिंग चलिए बोली करो आप हाथ लगाओ ओम मंत्रार्था सबला संतो गुरुणा संतो मनोरथा शत्रुणा बुद्धिनाथस्तो मित्रानुस्तभा श्रीवर्चस्थमाष्टमारोग्यमाभिधाच्युबलान्मयते धनं धान्यं वशं बहुपुत्रलाभं बहुकीर्तिलाभं बहुलक्ष्मीलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायु आप दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं फले फूले अच्छे रहें मस्त रहें स्वस्थ रहें आबाद रहें यहाँ रहें कहीं कहीं पर भी रहें और सदा सुखी रहें ये हमारी आशीर्वाद है ठीक है अब विदाई की जो भी कार्यक्रम है आप लोगों ने करना है यहाँ पे समापन हो गया है आगे का जो भी प्रोसीजर है यानी कि लड़की विदाई करने का जो भी रहेगा आप लोग कीजिएगा ठीक है फोटो खींचना है आशीर्वाद देना है जैसे दे दीजिए जैसे भी करना है।